हम हर बार महिला सक्षमीकरण की बात करते हैं। आज हम मुंबई की बात करेंगे तो मुंबई में आज भी महिलाएं सुरक्षित नहीं दिखाई देती है। गली नुक्कड़ रास्ते पे, रेलवे स्टेशन पे, बस स्टॉप पे इनके साथ में छेड़छाड़ की जाती है। ये है मेरी कम्युनिटी और मैं इस कम्युनिटी का अमोल लालझरे। जो लड़के लड़कियों को छेड़ते हैं तब लड़कियों को कैसा लगता है? गुस्सा आता है, ऐसे लगता है कि उनको मारना पीटना जरूरी होता है। उनको मतलब उनको ज़रा भी नहीं समझ में आता है कि यही जगह पे अगर हमारी बहन होती तो कैसा होता। हम लोग हाँ अपनी बहन को अच्छी तरह से रखते हैं, दूसरे लोग के लड़कियों को हम लोग क्यों टेंशन देते हैं ऐसा वैसा। लड़कियाँ रोड पे जब स्कर्ट या जींस वगैरह पहन के चलती हैं तो उनकी थाइस वगैरह जो दिखती है तो लड़कियाँ एक लड़के को देख के थोड़ा इम्प्रेशन बढ़ाती हैं, तो इस वजह से लड़के उसे हावी करते मजबूर कर देते छेड़ने की वजह से। इसके लिए लड़के उसे छेड़ते हैं और लड़कियां खुश भी हो जाती हैं कि लड़का मेरे को छेड़ रहा है। लड़कों का मानना है कि कम कपड़े पहनने वाली जींस पैंट पहनने वाली के साथ में छेड़छाड़ होती है? नहीं, बहुत सारे लड़के के साथ होते हैं जो पूरा कपड़े पहनते हैं, साड़ी बुरका गाउन, ऐसे लड़के के साथ भी छेड़छाड़ होते हैं। लड़कों का मानना है कि जो लड़कियां नखरे से चलती है, लाली पाउडर लगाती है, वो लड़कों को इम्प्रेस करने के लिए करती है। अभी हम भी तो लगाते हैं, हमारा ढका रहता है तो क्या हम भी लड़कियों को दिखाने के लिए लगाते हैं? हम भी दिखाते हैं कि हमारा तो मुंह पूरा ढका रहता है। तो उसके वजह से क्या क्या उसके परिणाम होते हैं, दुष्परिणाम क्या होते हैं लड़की के जीवन पर? लड़कियों का जाना बाहर बंद कर देते हैं आना जाना, किससे बात करना बंद कर देते हैं, लड़की की वजह से निकलना नहीं देते माँ बाप, डाउट खाते हैं, अच्छी खासी लड़की लोग का भी जिंदगी बर्बाद होता है। तो इसको कैसे रोका जाए, आपको क्या लगता है कैसे रोका? मुझे तो ऐसा लगता है कि जब लड़की के साथ वो जबरदस्ती करे ना, उसके चौक में उसकी कंप्लेंट लिखना चाहिए और उसको अच्छे से सबक सिखाना चाहिए। सरकारी योजनाएं और स्थानीय संस्थाएं इस महिलाओं पे होने वाली छेड़छाड़ को रोकने की कोशिश कर रही है, फिर भी महिलाओं पे होने वाली छेड़छाड़ रुक नहीं रही है। इसीलिए सरकार ने अलग अलग जगह पे या इंडिया लेवल पे, महाराष्ट्र लेवल पे, ऐसे स्टेट लेवल पे अलग अलग हेल्पलाइन निकालनी चाहिए कि जिससे वजह से कि किसी महिलाओं पे या किसी लड़की के ऊपर कोई छेड़छाड़ होती है या कोई उसको छेड़ता है तो तुरंत वो फ़ोन करे और 10 मिनट में पुलिस आ जाए, ऐसी कोई हेल्पलाइन निकालनी चाहिए। मुंबई से अमोल लालझरे, इंडिया अनहर्ड के लिए।